हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लता की रसोई। हमारी आज की रेसिपी है अप्पे। ये एक साउथ इंडियन रेसिपी है। इसको हम बनाएंगे सूजी से और इसको सर्व करेंगे नारियल की चटनी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। ये मैं ले रही हूँ 250 ग्राम सूजी, बारीक वाली सूजी मैंने ये ली है। अब इसमें मैं डालूँगी एक बाउल दही। ये घर का जमा हुआ दही मैं ले रही हूँ, आप मार्केट वाला दही भी ले सकते हैं। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ज़रूरत हो तो थोड़ा थोड़ा इसमें पानी मिलाएं। एक बाउल मैंने दही लिया, एक बाउल ही मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ अभी फ़िलहाल। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमें इसको थिक पेस्ट ही बना के रखना है। ये देखिए, इस तरह हमें इसका इतना थिक पेस्ट बना के इसको ढक के रख देना है। लगभग 2 घंटे के लिए हम इसे रखेंगे। दो घंटे बाद देखिए, अब हमारी सूजी फूल गई है अच्छे से और भी ज़्यादा थिक हो गई है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हरे धनिए की कुछ पत्तियाँ, जिनको मैंने धोकर काट लिया है बारीक बारीक। आप इसमें सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हैं, जो सब्जियाँ आप चाहें। अब 1 टीस्पून नमक या स्वाद अनुसार। हाफ टी स्पून काली मिर्च। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। वेजिटेबल्स अगर आप इसमें डालेंगे तो थोड़ा सा उनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे पहले और फिर इसमें मिक्स कर लेंगे। जैसे कि बीन्स हो गया, गाजर हो गई, कैप्सिकम हो गई। आपके बच्चे जो पसंद करते हैं या आप जो पसंद करते हैं वो वेजिटेबल्स आप इसमें ऐड कर लें। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अब इसको थोड़ा सा पतला कर लें। ये देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी वाला हमें इसका पेस्ट तैयार करना है। मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून इनो। इनो के बदले आप बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं। इनो हम सबसे लास्ट में डालेंगे जब हमें बिल्कुल ये बनाने हो। और इनो डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया हमने। इनो डालने से हमारे जो अप्पे बनेंगे वो काफ़ी फूले फूले फ्लफी बनेंगे। अब स्टफिंग के लिए हमारा अप्पे का पेस्ट बिल्कुल रेडी है। गैस पर हम अप्पे स्टैंड को रखेंगे और उस पर हल्का हल्का ऑयल डाल देंगे ताकि जो हम अप्पे बनाएं वो चिपके नहीं। आप चाहें तो ऑयल को ब्रश की हेल्प से अच्छे से ऐसे फैला सकते हैं। अभी अप्पे हमारा स्टैंड गर्म हो गया है, इसको गैस की फ्लेम को हम कम कर देंगे और इस तरह इनमें स्टफ करते जाएंगे पेस्ट को। ये देखिए, 1 स्पून काफ़ी है। 1 स्पून हम भर के इसमें स्टफ़ कर देंगे, बाकी ये फूलेंगे भी तो काफ़ी हमारे साइज़ में अच्छे बन जाएंगे अप्पे। फिर सेम प्रोसेस, 10-15 मिनट के लिए ढक के रखना है। और ये देखिए, हमारे अप्पे रेडी हैं। इसको मैं सर्व कर रही हूँ नारियल की चटनी के साथ।
नारियल की चटनी की रेसिपी फ्रेंड्स आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और जो मेरी साउथ इंडियन डिश की प्लेलिस्ट है उसमें भी आपको नारियल की चटनी मिल जाएगी। ये देखिए कितने अच्छे अप्पे बने हैं हमारे, बहुत ही अच्छे अप्पे और बहुत ही कम ऑयल में फ्रेंड्स ये अप्पे बने हैं। तो फ्रेंड्स आप भी ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई करें, खुद भी खाएं औरों को भी खिलाएं, और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग लता की रसोई।